हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं होली स्पेशल नमक पारा, जिसे हम नमकीन भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमने आधा केजी मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे जवाइन मंगरेल। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दो या फिर 4 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, अब हमारा ये कितना बढ़िया सॉफ्ट सा हो गया है। तो देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो ये आपका नमकीन पारा खराब भी हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हमारा आटा गुथा गया है। आप भी वैसे ही तैयार कीजिएगा, जैसे पूरी का आटा तैयार करते हैं एकदम सॉफ्ट सा, वैसे ही इसे भी करना है। तो अगर आप भी मेरे तरह चाय के साथ स्नैक्स खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसे गोल गोल करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको इसको बेल लेंगे। देखिए, अब कितना बढ़िया हो गया। अब हम इसे काट लेंगे लंबे लंबे पीस में। अब हम इसे छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया ये पीस इसमें कटा गया है। अब हम इसे तल लेंगे। हमने आंच को मीडियम में रखा है। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके तलेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। हम इसे ब्राउन कलर तक करेंगे। उसके बाद में हमारा ब्राउन कलर में आ जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमारा हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं, अब हमारा ये बन गया है। कितना बढ़िया सॉफ्ट सा एकदम है। ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।